दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जब से गिरफ्तार किया है तब से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं आइए जानते हैं इस केस से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा पूरे केस में सीबीआई ने इकतीस हजार और ईडी ने पच्चीस हजार पन्नों के चार्जशीट फाइल की है लेकिन चार बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया चार बयानों में दो बयान मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे राघव मंगूटा रेड्डी है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने बताया मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी उनसे मार्च 2021 में आधिकारिक तौर पर मिलने आए थे आबकारी नीति नवंबर 2021 में लागू हुई उससे पहले मंगूटा रेड्डी के सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले एक बार मार्च 2021 में मुलाकात हुई थी जिससे उन्होंने अपने परिवार के ट्रस्ट के लिए दिल्ली में जमीन दिलाने की बात कही इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमीन का मामला एलजी के अधीन आता है आप मुझसे मिलने आए हैं तो आप एक आधिकारिक आवेदन पत्र दे दीजिए मैं इसे एल साहब के पास भेज दूंगा सितंबर 2022 में ईडी बाप बेटे पर कथित शराब घोटाले की जांच को लेकर रेड डालती है जब इन पर पहली बार रेट पड़ी तब दोनों ने बयान दिया था कि इस केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की के भूमिका नहीं है और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है ईडी ने फरवरी 2023 में बेटे राघव मंगूटा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद ये बाप बेटे फिर कहते हैं कि इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है और कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है महीने तक ईडी राघव राघव मंगूटा मंगूटा को को जेल में रखती है। 16 जुलाई 2023 रेड्डी के पिता मंगूटा रेड्डी अरविंद केजरीवाल खिलाफ बयान देते हैं इसके ठीक दो दिन बाद राघव को बेल मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें मंगूटा एस रेड्डी के पहले दो बयानों का कोई जिक्र नहीं है केवल उनका तीसरा बयान दाखिल किया गया है राघव मंगूटा रेड्डी ने पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत सात बयान दिए थे जिसमें से उन्होंने अपने पहले छह बयानों में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है और कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है बता दें पाँच महीने जेल में रहने के बाद 16 जुलाई 2023 को सातवां बयान आता है जिसमें उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है और उन्हें बेल मिल गई। अब सामने आया है कि एनडीए की अलायंस पार्टी डीटीपी ने तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले मंगूटा एस रेड्डी को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है हर दिन ऐसे तथ्य निकल कर आ रहे हैं जो इस केस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें